नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होंठ देखकर जान लेंगे लड़की कैसी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। होंठों का आकार और उनकी बनावट का किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी स्त्री और पुरुष को उनके होंठ देखकर यह बताया जा सकता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनके अंदर कामेच्छा कितनी है। होंठों को देखकर यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में धन और सुख की स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए देखें होंठ और जाने किसके अंदर कैसी कामेच्छा है और कौन कितना धनी और सुखी होगा। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री और पुरुष के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान गुलाबी और कोमल होते हैं, वह बहुत ही सौभाग्यशाली और भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से भरपूर और सुखी जीवन जीने वाला होता है। जिनके होंठे काले, धब्बेदार और सूखे होते हैं, उनके लिए समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि इन्हें धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके जीवन में अक्सर आर्थिक परेशानी बनी रहती है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिस स्त्री के होंठ रसीले और देखने में मनभावन लगे, वह बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्रियों में भोग विलास के प्रति अधिक रुचि होती है। भाग्य भी इन पर मेहरबान रहता है, इसलिए इन्हें जन्म से ही सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। ऐसी स्त्रियों में कामेच्छा भी प्रबल होती है। जिस व्यक्ति के नीचे के होंठ एक ओर झुके हुए होते हैं, उन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने फायदे के लिए धोखा दे सकते हैं। इनमें अपने लाभ की ऐसी चाहत होती है कि अपने फायदे के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ सकते हैं। प्यार के मामले में भी इन पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति में भी काम भावना अधिक पाई जाती है। जिन स्त्रियों के होंठ छोटे और पतले होते हैं, उनमें दिखावा करने आदत होती है। ऐसी स्त्री अजनबियों से मिलने में घबराहट और शर्म महसूस करती है। कारण यह है कि इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। जिन स्त्रियों के होंठ गुलाबी हों और एक दूसरे पर बराबर बैठते हों, वह स्त्री भी बड़ी भाग्यशाली होती है। इन्हें भी जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जिन पुरुषों के भी होंठ इस प्रकार के होते हैं, वह उन्हें भी भाग्य का सहयोग मिलता रहता है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिस पुरुष के होंठ अधिक मोटे और मांस से भरपूर होते हैं, वह बड़े ही क्रोधी होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोध आने पर अच्छा बुरा सोचे बिना कोई भी कदम उठा लेते हैं। इनमें काम भावना भी प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति अपने लाभ के लिए गैर कानूनी काम करने से भी नहीं हिचकते। जिनके होंठ लालिमा लिए और सुंदर होते हैं, वह साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने उत्साह और साहस से जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी कमी होती है कि अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते हैं। जिनके होंठ बराबर नहीं होते हैं और ऊपर के होंठ बाहर की ओर निकले होते हैं, उन्हें भाग्य का सहयोग कम मिलता है। यह जरूरत के समय अपनी बुद्धि का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई बार अपमानित भी होना पड़ता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के ऊपर के होंठ से नीचे के होंठ अधिक मोटे होते हैं, वह सुखी जीवन जीती है। अगर होंठे चिकने और मुलायम भी हों तो वह व्यवहारिक और उदार हृदय वाली होती है। ऐसी स्त्री वाद विवाद में नहीं उलझती है। यह लोगों को स्नेह देती है और उनसे भी स्नेह एवं नम्र व्यवहार की अपेक्षा रखती है। इन्हें क्रोधी और उग्र व्यक्ति पसंद नहीं आते। जिस व्यक्ति के होंठों पर तिल का निशान होता है, वह सुख और समृद्ध होते हैं। इनका जीवन ऐसो आराम में बीतता है, लेकिन इनमें काम भावना प्रबल होती है। भोग विलास की चीजों में इनकी खूब रुचि होती है। जिस पुरुष को ऐसी स्त्री मिलती है, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आनंद बना रहता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं।
कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात न माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।